Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPI न्यूज, मैं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे सोहराबुद्दीन केस की। जी हां, गुजरात में 2005 में जो सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस हुआ था, उसके बाद जो राजनीति हुई, फिर उसके बाद लगातार जो जस्टिस लोया की मौत, बताया जा रहा है कि जस्टिस लोया की मौत वाकई में एक अपने आप में एक अलग मोड़ ले लिया है। पहले मैं आपको ये खबर से रूबरू करा देता हूँ कि इसमें अब क्या होने वाला है। न्यायाधीश लोया की मौत की जांच वाली याचिका पर सुनवाई कल होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि असल में सोहराबुद्दीन मुठभेड़ जो हुई थी, वो असल में पूरा मामला क्या था। CBI ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बुरी तरह फंसे मोदी के करीबी मंत्री अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जी हाँ, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, 2015 26 फरवरी की ये खबर है कि उसमें अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सोहराबुद्दीन को मारा गया था। 26 नवंबर 2005, जी हाँ, अहमदाबाद सर्किल और विशाला सर्किल के टोल पॉइंट पर हुई सोहराबुद्दीन की जो हत्या हुई थी। सुबह के 4 बजे थे, उस सड़क पर अचानक कई चेहरे आ जाते हैं। गुजरात ATS के चीफ DG बंजारा और के साथ राजस्थान पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट MN दिनेश, कांस्टेबल अजय परमार से कहा गया कि वो ATS दफ्तर के पीछे पड़ी एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेकर आए और सोहराबुद्दीन शेख को भी वहां लाया गया। राजस्थान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठा और थोड़ी दूर जाकर अचानक नीचे कूद जाता है। उसी वक्त सोहराबुद्दीन को भी चलती कार से नीचे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया जाता है। नतीजा दोनों को चोट लगती है और उसी के साथ 4 पुलिस इंस्पेक्टरों ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सोहराबुद्दीन पर 8 गोलियां बरसाई। बंजारा ने कांस्टेबल परमार से सोहराबुद्दीन के निर्जीव शरीर को सिविल अस्पताल ले जाने को कहा। जी हां, ये पूरा मामला जो है सोहराबुद्दीन केस का जो था, उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 2015 में जो सबसे पहले जो अमित शाह के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें कहा यह गया था कि अमित शाह जो है इसमें मेन उसमें इनका हाथ है इस तरह के पूरे मामले में। लेकिन अब जाहिर सी बात है, फिर जो अब पिछले दिनों जो एक आया कि जस्टिस लोया जो इस पूरे मामले को देख रहे थे, उनकी जो संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है, वो भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या जस्टिस लोया को साजिशन मारा गया है या जस्टिस लोया की मौत खुद से हुई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अगर हमने देखा कि 2002 में जिस तरीके से गोधरा कांड होता है, फिर उसके बाद अहमदाबाद में जो दंगे भड़कते हैं, गुजरात में उसके बाद जो लगातार जो है PM मोदी जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पूरी जो राजनीति का अगर हम देखेंगे 2002 के बाद से 2017 तक लगातार गुजरात में जो है नए नए कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें इशरत जहां एनकाउंटर की बात करें, अगर हम सोहराबुद्दीन केस की बात करें, और फिर उससे पहले जो गोधरा कांड हुआ, फिर गुजरात में जो दंगे भड़के, और ऐसे में एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब एक मीटिंग चल रही थी, जब 2002 में जो कार सेवक लौट रहे थे अयोध्या से, उनको जो डिब्बे में जो आग लगाई गई, फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उन 58 लाशों को ले जाकर पूरे ट्रक के अंदर अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया, आखिर ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी। फिर उसके बाद लगातार जहाँ जहाँ ट्रक जा रहा था वहाँ वहाँ दंगे भड़क रहे थे। यानी ये पूरी मामला काफ़ी अगर हम देखें तो काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरे इस मामले को हम देखेंगे, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। फिर उसके बाद सोहराबुद्दीन मुठभेड़ जो केस हुई, फिर उसके बाद जस्टिस लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, वाकई में कई सवाल खड़े कर देती है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से सोहराबुद्दीन कैसे पुलिस के जाल में फंसा था, आखिर किसी भी तरह राजस्थान में छिपे बैठे सोहराबुद्दीन को गुजरात लाना था, जाहिर सी बात है उसे गुजरात में किसी नए इल्ज़ाम में फंसाने की साजिश
बुनी गई। अभय चूड़ामा ने सोहराबुद्दीन को लालच दिया और रमण पटेल नाम के कारोबारी से पैसे ऐंठने के बहाने उसे गुजरात बुला गया। सोहराबुद्दीन ने अपने दो पियादों सिल्वेस्टर और तुलसी प्रजापति को भेजा। दोनों ने पॉपुलर बिल्डर के मालिक रमण पटेल पर गोली चलाई, यानी जो उसको पूरा एक जाल बुनाया गया और उसको लाया गया गुजरात और फिर उसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से जो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीति एक अलग पूरी तरीके से हो रही है, अपने आप में एक अलग गुजरात की राजनीति इस तब हो रही है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब तो जस्टिस लोया जो इस पूरे मामले को सोहराबुद्दीन केस को देख रहा है तो उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत वो भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। अब जैसे कि अब कल सुनवाई होनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली एक याचिका पर कल सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खान विलियर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 1 दिसंबर 2014 की लोया की मौत की जांच पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका पर विचार किया है। महाराष्ट्र के पत्रकार बी आर लोन ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि संवेदनशील सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे लोया की रहस्यमय मौत की जांच निष्पक्ष कराने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि जब जस्टिस लोया की मौत का मामला सामने आया, फिर उसके बाद जो है एक याचिका डाली गई कि जस्टिस लोया की मौत का जो है वो जांच की जाए, आखिर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत क्यों हुई, जब वो दूसरी जगह गए हुए थे, दूसरे राज्य में गए हुए थे, वहाँ पर जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो भी अपने आप में कई अहम सवाल छोड़ जाती है। इस मामले में अब जाहिर सी बात है कि विभिन्न पुलिस अधिकारियों और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी सामने आया था। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लोया की 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में दिल का दौरा पड़ने से उस समय मौत हो गई जब वो अपनी एक साथी की बेटी की शादी अटेंड कर रहे थे। मामला तब सामने आया जब उनकी बहन के हवाले से मीडिया की खबरों में उनकी मौत और सोहराबुद्दीन से उससे जुड़े होने की परिस्थितियों पर संदेह जताया गया। गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर भी और उनके सहयोगी तुलसीदास प्रजापति के नवंबर 2005 में कथित फर्जी मुठभेड़ मामले पुलिसकर्मी समेत कुल 23 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। बाद में ये मामला सीबीआई को सौंपा गया और मुकदमे को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने 8 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और न्यायाधीशों की मौत की जाँच कराने की मांग की है। ये पूरा मामला अभी चल रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला जो है वो सीबीआई कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है जो सरकार के हिसाब से काम कर रही है। ये भी एक अपने आप में बड़ी खबर है। कहा ये जा रहा है कि सीबीआई एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम कर रही है और जो सरकार कहती है वही वैसे ही सीबीआई काम करती है। अब अगर हम बात करें सोहराबुद्दीन केस में जो देख रहे थे, सुनवाई कर रहे थे सीबीआई जज ब्रज गोपाल लोया की मौत को जो पूरा जो छापा था वो द कारवां नाम की एक पत्रिका थी, उसने रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि उनके परिजनों ने उनकी मृत्यु की संदेहास्पद परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्हें सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह के पक्ष में फैसला लेने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के प्रस्ताव की बात भी कही है। यानी अब साफ तौर पर जिस तरीके से जस्टिस लोया की मौत हो जाती है, जस्टिस लोया की मौत के बाद जो है वो लगातार कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का प्रस्ताव भी दिया गया था, ये उनके परिवार जस्टिस लोया के परिवार से ये बात सामने निकल कर आई है। अब ऐसे में गुजरात की राजनीति में हलचल मचनी तय है। जाहिर सी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, जस्टिस लोया की मामले पर सुनवाई करता है, अगर उसमें ज़रा सा भी केस मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें अमित शाह समेत काफ़ी लोगों के नाम शामिल थे। उसमें सीधे तौर पर आरोप लग रहा था कि अमित शाह इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये यानी अगर हम बात करें तो पूरा कहीं ना कहीं मामला काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी उलझा हुआ, अनसुलझा भी है और सुलझा भी है, यानी दोनों ही कड़ियों से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए अब परेशानी बढ़ सकती है। बहरहाल अब तो ये सुनवाई कल से शुरू हो सकती है और सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जिसमें जिन जिन लोगों के नाम आए थे गुजरात के इस चर्चित मामले में, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत गुजरात पुलिस के कई आला अधिकारियों के नाम भी इनमें आए थे। और ब्रज गोपाल लोगों जो
पत्रकार थे, जो पत्रिका के पत्रकार थे, उन्होंने वहाँ के परिवारों से बात की, उनसे कहा, जो उनके जस्टिस लॉयर से बात की उनके परिवार से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके परिवार ने साफ तौर पर ये बात कह दी कि जस्टिस लोया की हत्या हुई है, ना कि उनकी मौत हुई है। यानी अब इस बात पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, अब ये कोर्ट तय करेगा कि अब वाकई में वो रहस्यमय मौत थी या फिर कुछ और साजिशन उनकी हत्या की गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब देखना ये है कि अब गुजरात की राजनीति पर इसका किसका असर, कितना असर पड़ेगा। 2019 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, बीजेपी अमित शाह करिए काफ़ी हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीक पे हैं। इस वक्त जाहिर सी बात है कि गुजरात में वो जीत चुके हैं, और अभी 2018 में कई विधानसभा चुनाव होने हैं, बड़े बड़े राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर अमित शाह का अगर इसमें कुछ ना कुछ अगर निकल कर आता है, कोर्ट अगर इसमें कुछ फैसला लेता है, तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN News। नमस्कार।